नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली से खबर दिखा रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने बाबा गुरमीत राम रहीम को पैरोल दे दी है। डॉक्टर एपी सिंह, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बेटा अपनी मां का इलाज करवाकर अपने बेटे का फर्ज अदा कर सके, इसलिए कोर्ट ने संवैधानिक तरीके से बाबा गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी है और ऐसे में इस पैरोल का लोगों द्वारा विरोध करना गलत है। मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा डॉक्टर एपी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने, आपको सुनवाते हैं। राम रहीम की पैरोल का विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, संत गुरमीत राम रहीम जी को जेल मैनुअल, भारत के संविधान, आईपीसी सीआरपीसी के तहत जेल प्रशासन द्वारा सिरसा प्रशासन से रिपोर्ट आने के बाद दी गई है। जेल मैनुअल के हिसाब से दी गई है, कोई असंवैधानिक उनको तरीके से पैरोल नहीं दी गई है, कानूनी तरीके से पैरोल दी गई। और माता पुत्र और पुत्र का रिश्ता ऐसा होता है कि माता पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती है और पुत्र माता के लिए बहुत समर्पण होता है। ऐसी स्थिति में उनकी माता गुरुग्राम में बीमार हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, एजेड महिला हैं, और उस आधार पर उनको जो बेल दी गई कि उनकी देखभाल कर सके, उनकी सेवा कर सके। कोरोना काल चल रहा है, मौतों का सिलसिला चल रहा है, रोजाना मौतों की खबरों से समाज भरा हुआ है, शमशान घाटों की लाइन लगी हुई है। ऐसी स्थिति में यदि वो अपनी माता की उम्र के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए, माता के इलाज के लिए कुछ कर सकते हैं पुत्र होने के नाते, तो उस आधार पर संवैधानिक तरीके से बेल दी गई है और उस बेल में किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि गुरुद्वारा हरियाणा की गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के कुछ लोगों को इस पैरोल पर आपत्ति है। उन्हें ये संगीन आरोप लग रहे हैं कि राम रहीम जी पे संगीन आरोप हैं, ये वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन वो उचित नहीं है, वो किसी तरह से उचित नहीं है। मुल्ज़िम के भी मूल अधिकार होते हैं, जीवन जीने का अधिकार होता है, उसके भी अपने अधिकार हैं, उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जा रहा है, वो चीज रहे, सब कुछ ऑब्जर्वेशन रहे, सब कुछ देखभाल होती रहे पूरी, लेकिन विरोध होना मैं इसे गलत मानता हूं और कानूनी रूप से बहुत अधिक सम्मत नहीं है और उनके कानूनी अधिकारों का हनन है। गुरुमीत राम रहीम के पैरोल का विरोध बाहरी नहीं, अंदर के ही समाज के, उनके ही समाज के लोग कर रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, सिख समाज के लोग कर रहे हैं उनका, क्योंकि हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक सिख समिति के अध्यक्ष हैं, वो कर रहे हैं और उनके ही कुछ लोग उससे संबंधित, उनसे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। इसके पीछे पोशाक की बात, अमृत की बात, इस तरह की कई चीजें, वो चीजें रही हैं, इसलिए उनका विरोध है करने का, लेकिन विरोध का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। गुरमीत राम रहीम जी ने सदैव डेरा सच्चा सौदा को जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, भाषा से ऊपर उठकर माना और डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के काम करता है, किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के आधार को लेकर नहीं करता। उनका नाम भी आप देखेंगे, डॉक्टर गुरमीत राम रहीम इंसा, राम भी, रहीम भी और इंसा, उन्होंने इंसान की तरफ बनाने का काम किया। राम रहीम जी ने और डेरा सच्चा सौदा ने किसी धर्म की बात नहीं की, किसी धर्म का विरोध नहीं किया, किसी धर्म गुरु का विरोध नहीं किया, किसी धर्म ग्रंथ का विरोध नहीं किया, किसी धर्म ग्रंथ के बारे में आलोचना या नकल या कटु आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने मानवता भलाई और इंसान, इंसान इंसान को गले लगाए, इंसान इंसान के प्रति काम करे, ये सारा कार्य किया है और उससे कहीं भी पैरोल उन्हें मिलने से ये कार्य बाधित नहीं होगा और निश्चित तौर पर पैरोल मिलने से किसी को इसमें खतरे की बात है ही नहीं और विरोध नहीं करना चाहिए। उन्हें मानवता के अधिकारों को, मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और उन्हें पैरोल जो मिली है बहुत अच्छा है, हरियाणा सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है, अच्छा किया है उन्होंने कि एक बेटे को मां के इलाज के लिए भेजा है।